वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक बार एनर्जी क्लीन कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपका यहाँ होने के लिए, आपका प्रोटेक्शन के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। तो डायरेक्ट चलते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं आपको क्या मैसेजेस आज देना चाहते हैं डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है यहाँ फोर ऑफ पेंटाकल्स का, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। ओके, आपके लिए कार्ड है फाइव सूट का, टेन ऑफ कप्स का, आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। डेविल का, इसी की कमी थी। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जजमेंट का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए। लेंगे नहीं इस कार्ड को, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड गया है फोर ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। तो इमोशनली आपकी लाइफ के अंदर शायद बहुत टर्मोइल रहे हैं या बहुत परेशानियां रहे हैं। मुझे लगता है कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका है पहले से। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोल का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, एस ऑफ कप्स का, जजमेंट का कार्ड दोबारा अपीयर है आपकी रीडिंग में। स्टार का कार्ड है आपके लिए, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए फाइव ऑफ वॉट्स का, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए एस ऑफ वॉट्स का। वो क्या आपको दिखाई दे रहा हो, तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे डेविल कार्ड झांक रहा था, है ना। तो जो एक मुझे आपकी बात समझ, आपके लिए जो मुझे यहाँ बात समझ में आ रही है बहुत स्ट्रांगली, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करने वाली हैं जो मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे। देखिए, आप में से, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पीरियड में ना अपने नॉर्थ नोड के साथ कनेक्टेड हैं, यानी कि हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है, हम सबकी डेस्टिनी में जो लिखा है, हम उस तरफ जा रहे हैं। तो रोड़े अटकाने वाले भी और हमारी लाइफ के अंदर हमें खींच कर पकड़ कर रखने वाले भी बहुत हैं। तो सभी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन इस वक्त आप जिस जगह पे हैं, यहाँ पे जजमेंट कार्ड दो बार अपीयर है। और मैंने पहली बार इस कार्ड के अंदर, क्योंकि साथ में आए हैं इसलिए इस चीज़ को नोट किया है, यहाँ पे जो ये इंसान है ये परेशान है। फाइव ऑफ सोर्ड का कार्ड है, फाइव ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है ट्रेडिशनल टैरो के अंदर, पहली बात झगड़े की, दूसरी बात बिट्रेल की, जहाँ पर जो एक पर्सन होता है वो दो लोगों की तलवारें छीन लेता है और उनको परेशान करता है या उनको अकेला कर देता है या उनका सब कुछ छीन लेता है दो लोगों का। तीन लोग होते हैं फाइव ऑफ सोर्ड वाले कार्ड में, जिसमें एक बहुत दूर रो रहा होता है, दूसरा भी रो रहा होता है और वो एक जो पर्सन होता है वो छीन कर बहुत खुश होता है। यहाँ पर उस पर्सन के ऊपर जजमेंट आ रहा है आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी से। यहाँ पे मैंने पहली बार इस कार्ड के अंदर नोट किया कि यहाँ पे देखिए ये पर्सन इस लाइट के अंदर जा रहा है, खुला अपना जीवन जीने के लिए जा रहा है। यहाँ पर भी सेम एनर्जीज हैं, इस पर्सन ने अपने जो हाथ हैं, इस पर्सन ने अपने जो दो, अपने दो हाथ हैं ऐसे ही खोल रखे हैं और ये भी लाइट में जा रहा है। यानी कि आप डेविल से फ्री हो रहे हैं, कहने का मतलब मेरा ये है। आपको जो लोग भी किसी भी तंत्र मंत्र में आपको बाइंडिंग वाली एनर्जीज में बांध के रखते थे, उन लोगों की पहुंच से या उन टॉक्सिक लोगों की जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनसे आप यहाँ फ्री हो रही हैं एक रीस्टार्ट करने के लिए अपनी लाइफ को। दो बार जजमेंट का कार्ड अपीयर इसलिए ही है यहाँ पे, क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड में हैं और आप अपनी उन चीज़ों को सर्व कर रहे हैं या करना चाहते हैं जो कि आपका डिवाइन पाथ है या आपका सोल पर्पस है, और उसकी वजह से ही लोग आपके जीवन में या आपकी खुशियों में बार बार
एक रोड़े अटकाने के लिए आपसे फाइट करते हैं। ये पता है किस तरह की एनर्जीज हैं? ये इस तरह की एनर्जीज हैं कि एक इंसान ने आपके खिलाफ बहुत लोगों को लाकर खड़ा कर दिया, एक इंसान के खिलाफ एक दूसरे इंसान ने एक पूरे ग्रुप को खड़ा कर दिया लाने के लिए, कि इसके ऊपर सारी चीज़ें डाल दी जाएँ, इसके ऊपर सारा कहर बरपा दिया जाए ताकि ये इंसान आगे ना बढ़ सके, इसको ना क्रॉस कर ले, मैं इससे कहीं छूट ना जाऊँ या ये मुझसे कहीं छूट ना जाए, मेरे बंधनों से ये, मेरे ट्रैप से ये आज़ाद ना हो जाए, मेरे से आज़ाद होकर ये अपनी कोई नई शुरुआत ना कर ले, मुझसे आज़ाद होकर ये किसी न्यू डायरेक्शन में ना चला जाए। ये पर्सन कुछ ऐसा है, यानी कि यहाँ पे कोई डेफिनेटली एक डेविलिश टाइप वाली एनर्जीज हैं जिसने आपको होल्ड कर रखा है। और आपको यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल हैं, तो ये कार्मिक कार्ड भी है, तो आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिल रहा है। और यहाँ पे डेफिनेटली जो स्प्रिट है इस पर्सन को भी ये क्लियर मैसेज दे रही है कि आपके जाने का वक्त आ चुका है, आपके ऊपर से जो ये होल्ड है इसके जाने का वक्त आ चुका है। आप डेफिनेटली अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं, यानी कि आपके पास्ट के लोगों ने जो भी आपको हर्ट दिया है, आप उसमें, आपके पास जो भी है आप उसको अब खत्म नहीं करना चाहते, यानी कि आपके जो भी बचे हुए इमोशंस हैं, बचे हुए पैसे हैं, बची हुई चीज़ें हैं, आपने एक दूरी डेफिनेटली लोगों के साथ में बना ली है, आप लोगों के साथ में अब उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आप अपने जीवन में जो भी शुरुआत करें लेकिन आप किसी टेंशन वाले इंसान के साथ में ये चीज़ें अब नहीं करना चाहते, यानी कि आप अपने जीवन में जिस भी टॉक्सिक एनर्जी में से निकले हैं आप में उस, आपने उसमें खुद को नर्चर किया है, खुद की देखभाल आपने की है, चाहे आपने रो के की है, चाहे आपने हंस के की है, चाहे आपने कैसे भी की है, लेकिन आपने की है, आपने इसलिए आपने अपने आप को बैलेंस करने की जो कोशिश की है ना, और जो बैलेंस किया है अपने आप को बार बार एक नई दिशा की तरफ जो धकेला है, नई दशा की तरफ जो आपने धकेला है, उस धकेलने की वजह से या उस धकेलने की वजह से ही आपके लिए जो ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, डिवाइन हीलिंग कह लीजिए, या फिर ये जो इमोशनल हीलिंग है आपकी वो कह लीजिए, या इमोशनल जो आपको ईश्वर जो आपको समझता है, मुझे यहाँ पे ना ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है। वैसे भी जो लोग अपने नॉर्थ नोड में होते हैं उनका ऑटोमेटिकली ईश्वर के साथ कनेक्शन जो होता है स्ट्रांग हो जाता है, अपने आप ही वो ईश्वर के साथ इतने अच्छे से जुड़ जाते हैं कि उनको हमेशा ही अपनी इंट्यूशंस, अपनी गाइडेंस उनको समझ में आती है, या फिर एटलीस्ट या उनको ये पता तो होता ही है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। आप अपनी जो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं या आप जो भी फुलफिलमेंट पाना चाहते हैं उसमें डेफिनेटली वो जो डेविल का कार्ड हमने देखा था वो पर्सन आपको बांध के रखना चाहता है। ये आपका कोई बॉस हो सकता है जो आपको टॉक्सिक जॉब में रखना चाहता है, ये आपके लिए आपका कोई टॉक्सिक फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका कोई करंट पार्टनर हो सकता है कि आपको डिवोर्स नहीं देना चाहता, और इसकी वजह से मुझे लगता है आपको या तो मेडिकल इश्यूज बहुत हैं या इस पर्सन को भी मेडिकल इश्यूज बहुत हैं। बेसिकली आप इस पर्सन के सर का दर्द हैं, ये आपको अपने सर का दर्द मानता है, ये जो भी पर्सन है, ये फीमेल है या मेल जो भी है, ये इंसान आपको अपने सर का दर्द मानता है कि इसकी वजह से, इस आपके एनलाइटनमेंट की वजह से या आपके अपने नॉर्थ नोड में सर्व करने की वजह से या अपने जीवन को बेहतर बनाने की वजह से या इमोशनली खुद को हील करने की वजह से इस इंसान के सर का दर्द आप बने हुए हैं। और इसको ये सर दर्द है कि ये जो कॉलिंग हो रही है ना, ये सर दर्द जो इसे हो रहा है ये इसलिए नहीं हो रहा है कि आप अपने नॉर्थ नोड में जुड़े हैं, ये इसलिए इसे हो रहा है क्योंकि इस पर कर्मा आ रहा है। आप में से बहुत लोगों ने ये बोला है कि कर्मा की रीडिंग करूं, तो कर्मा आ रहा है, ये जो आर्कएंजल गैब्रियल का ट्रम्पेट बज रहा है ना, एंजेलिक ट्रम्पेट बज रहा है, उसने इसके दिमाग के अंदर भोज डाल दिया है, उसने इसके दिमाग के अंदर शोर मचा दिया है, जैसे कि ये कौवा बैठा है इसके कंधे पे। आप फ्री हैं इससे, आप बंधे हुए नहीं हैं इस पर्सन से, बिल्कुल भी नहीं बंधे हुए हैं, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, आप इससे बंधे हुए नहीं हैं। आपके लिए तो न्यू बिगनिंग है, आपकी ये न्यू बिगनिंग इसके सर का दर्द बनी हुई है, आपकी, आपका आगे बढ़ना, अपने नॉर्थ नोड को सर्व करना इसके सर का दर्द बना हुआ है, इसलिए ये आपको हमेशा एक कंपटीशन में रखना चाहता है, इसलिए ये आपको सर का दर्द देना चाहता है, ये चाहता है कि आप अपनी कोई नई शुरुआत ना करें, या ये चाहती है कि आप अपनी कोई नई शुरुआत ना करें, अपने पर्पस को आप सर्व ना करें, अपनी खुशियों को आप महसूस ना करें। इसलिए जब भी आप खुशी महसूस करते हैं या करना चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में ऐसे लोगों के साथ में मिलकर आपकी लाइफ को हेल्प करता है। इस इंसान के पास हो सकता है बहुत पैसा हो या अपना पैसा जो है आपके ऊपर खर्च करता है, इसलिए भी इसको ये बहुत तकलीफ है कि पैसा खर्च करने के बावजूद भी, लोगों को आपके साथ लड़ाने के बावजूद भी, आपको इस तरह की मुसीबत में कह लीजिए या कब्र में डालने के बावजूद भी, आप कैसे जिंदा हैं, आप कैसे चीज़ों को सर्व कर रहे हैं। अब ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि बाई चांस दोनों ही कार्ड्स के अंदर सेम कलर हैं, तो जिस इंसान को इन्होंने खत्म कर दिया था वो इंसान जिंदा कैसे हो गया,
या कैसे हो सकता है, जिसको मारने की साजिश चल रही है वो जिंदा कैसे हो सकता है, वो खुशियां कैसे महसूस कर सकता है। उसका खुशी महसूस करना तो हमारे लिए सर में दर्द है। उसका स्वतंत्र होना, उसका यूनिवर्स को पाना, उसका अपने डिवाइन पाथ को पाना तो हमारे लिए सर दर्द है। जबकि आपको ये जो आप दोनों ही कार्ड में देख सकते हैं, हालांकि इस कार्ड में भी आइस क्लोज हैं, इस कार्ड में भी आइस क्लोज हैं, इस कार्ड में भी आइस क्लोज हैं, लेकिन इसमें एक सेटिस्फेक्शन है। इसकी जो आइस क्लोज हैं, इसके माथे पे बल पड़े हुए हैं। इसके पास ये सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि इसने अपना इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस पर्सन ने खो दिया है, चाहे ये मेल है या फीमेल। इसको ऐसा आपकी जो भी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं, इसको पूरी तरह से एक ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हो गया है आपकी लाइफ की चीज़ें होने से, कि आपकी लाइफ की चीज़ें अच्छी होंगी तो फिर इसके लिए सब कुछ खराब होगा। यानी कि ये आपको हमेशा ही एक मिजरेबल सिचुएशन में या पोजीशन में देखना चाहता है पर्सन, और आपका अच्छा होना इस इंसान के लिए बुरा साबित हो रहा है। कुछ कार्ड्स देखते हैं, पहले इसमें से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। तो आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। कॉफिन देखिए, कॉफिन का कार्ड है यहाँ पे। तो ये आपके लिए चीज़ें पहली बात खत्म हो गई हैं और इन लोगों के लिए भी खत्म हो गई हैं। आपका ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। 90 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैंने जैसे कि अभी कहा, यहाँ पे कॉफिन में से मुर्दे उठ रहे हैं, मैंने इस चीज़ को नहीं देखा था, लेकिन कॉफिन का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस पर्सन ने जो आपकी लाइफ में खत्म करना चाहा था, जो भी ये पर्सन थे या लोग थे, इनकी लाइफ में ये सब खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है। इनकी लाइफ के अंदर ये चीज़ें आ गई क्योंकि जजमेंट आ गया। आपकी लाइफ में जो चीज़ें खत्म करने की कोशिश थी, इनकी लाइफ में वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। लाइट इनके ऊपर पड़ रही है, इसलिए ये आवाज़ें इनके ऊपर पड़ रही हैं, इसलिए ये कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं क्योंकि कर्मा इनके ऊपर कॉल कर रहा है। आपको दिखे या आपको ना दिखे, फैमिली रूम डेफिनेटली आपके फैमिली में से कुछ लोग हो सकते हैं। 21 नंबर है यहाँ पे, तो आपके लिए अक्टूबर या मार्च का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये डेट इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपके लिए कार्ड है कंसर्न का। मैंने क्या कहा अभी आपसे, कंसर्न है इनको यहाँ पे। 33 नंबर वैसे मास्टर नंबर है। तो ये जो लोग हैं ना, एक्चुअली देखिए यहाँ पे भी लाइट आ रही है, मैंने पहले ही बोला था लाइट आ रही है। तो आपके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसकी वजह से इन्हें दिक्कत है, और इन इसकी जो आवाज़ें इनके कान में आ रही हैं, ये जो लाइट पड़ रही है या ईश्वर जो इनको दिखा रहा है, वो इनके लिए बहुत कंसर्न का विषय है। ये आपके फैमिली मेम्बर डेफिनेटली ही हैं, इनकी ये आपकी फैमिली का ही कोई ना कोई पर्सन है जो कि आपकी लाइफ को हेल्प कर रहा है, या जिसको आप कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जिसको आप फैमिली की तरह मानते थे। ये आपका कोई ब्रदर हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, कोई फादर हो सकता है, कोई एक्स हस्बैंड हो सकता है, एक्स लवर हो सकता है, पर फैमिली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इस पर्सन को आपकी अपॉर्चुनिटी से, आपकी खुशियों से बहुत परेशानी है। आपकी आपका आगे बढ़ना इसके लिए कंसर्न का कारण है। आपका चीज़ों को सर्व करना इसके लिए कंसर्न का कारण है। प्रिविलेज लेडी, ये दिक्कत यही है सारी, कि अगर आप प्रिविलेज लेडी बनते हैं, अगर आप इस प्रिविलेज लेडी की एनर्जीज में हैं, यानी कि आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपको कोई मान सम्मान मिल रहा है या मिलेगा, या फिर आप अच्छी जगह पे जा सकते हैं, तो आप उस जगह पे ना जा सकें, आप अपनी इमोशंस को सही फील ना कर सकें, ये चीज़ें इस पर्सन के लिए कंसर्न का कारण है। यहाँ कार्ड है लवर्स का। अगेन, आप किसी नई शुरुआत को ना पा लें, आप किसी ऐसे इंसान के साथ में कनेक्टेड रहें जो कि फॉल्स पर्सन है, या फिर ये कोई फॉल्स पर्सन हो सकता है आपके लिए, या ये दो लोग हो सकते हैं, कार्मिक कपल हो सकता है ये, जिन्होंने आपको किसी एनर्जी में किसी पर्सन के साथ फंसा के रखने की कोशिश की थी। अब आप अलग हो रहे हैं और ये मास्क था यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे दो तीन लोग हैं जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं आपकी ग्रेट फॉर्चून के खिलाफ। आपके लिए मेन मेल हो सकता है कोई आपके ऑक्यूपेशन के खिलाफ, डिस्पेयर में आपको रखना चाहते हैं, परेशान हमेशा रखना चाहते हैं, और आपकी लाइफ के मेन मेल या मेल फीमेल ये बनना चाहते हैं। दोनों ही कार्ड अपीयर थे। कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं, तो जजमेंट इनके ऊपर आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा जुडिकेशन का कार्ड भी था पीछे। मैरिज की एनर्जीज हैं, कहीं आप किसी के साथ में नया रिश्ता ना बना लें, आप खुश ना हो जाएं, 10 of cups की एनर्जीज को आप ना पालें। इम्प्रिजनमेंट, आपको हमेशा कैद रखना चाहते थे, और मैंने क्या कहा था, आप ट्रैप में से छूट रहे हैं। डिस्टेंट होराइजन में इनको पता है कि इनके ऊपर जजमेंट आ रहा है, चाहे इन्होंने आपको कितनी भी परेशानी में रखने की कोशिश की, ये परेशानी अब इनके ऊपर आ रही है, लाइफ चेंज हो रही है, मैसेज ऑफ कंसर्न इनको मिल रहा है, और जो भी पैसा इन लोगों ने आपके ऊपर लगाया था वो इनका वेस्ट हो गया है, ये इनको समझ में आ चुका है। ओफो, कभी भी कार्ड उठा लो, पता नहीं, वैसे बहुत कमाल की बात है ना, लेकिन हमारे अपने फैमिली मेंबर्स ही हमारे लिए हमें मारने का कारण बन जाते हैं, या जिनको हम अपनी फैमिली मानते रहे हैं, या जिनके लिए फैमिली मान के हम बहुत कुछ करते रहे हैं,
वही लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई महीना हो सकता है, कोई जन्म की तारीख हो सकती है, देख लीजिएगा। स्वैपिंग एनर्जी, सोल एसेंस, तो ये अगेन आपके साथ अपनी एनर्जी को स्वैप करना चाहते थे ताकि आपके सोल एसेंस को ले सकें। अगेन जैसे कि मैंने कहा, आपको खत्म कर देना चाहते थे, तो आपके साथ में एनर्जी को इसलिए स्वैप करना चाहते थे क्योंकि आपको हैप्पीनेस मिल रही है और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने नॉर्थ रोड में हैं। इनकी इनके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जी है और इन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया। आपका सोल एसेंस चेक, यहाँ पे सोल एसेंस को चेंज करने की चक्कर में या स्वैप करने के चक्कर में कि आपके साथ ये अपनी एनर्जीज को स्वैप कर सके, अपनी टॉक्सिक एनर्जी को, आपकी जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इमोशनल बैलेंस की एनर्जीज हैं, आपके नॉर्थ नोड की एनर्जीज हैं, इनके साथ स्वैप कर सकें। इसलिए इनके ऊपर जजमेंट है क्योंकि सोल एसेंस लोग करते तो हैं लेकिन आप किस इंसान के साथ में कर रहे हैं ये आपको समझना होता है। हर इंसान का ना, हम लोग अपनी जर्नी में अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग जगह पे हैं। कोई जना स्टार्ट कर कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है, कोई बीच में है, किसी ने कुछ सीखा है, किसी ने कुछ नहीं सीखा है, कोई जना बिल्कुल अंत के कगार पे है। तो आप जब अपनी एनर्जी को स्वैप करने की सोचते हैं ना किसी के साथ में, तो ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। जब ये कॉलिंग आती है, हमारे गुड कर्मा का रिजल्ट हमें मिलता है और ईश्वर जो हमारे साथ बुरा होते हुए देख रहा है उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन ये बात जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं इस चीज को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर सबका रैंक होता है, सबको एक ओहदा मिला होता है और उस ओहदे के हिसाब से उसके साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में चीजें होती हैं। अगर आप किसी के साथ अति करेंगे और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हाई रैंकिंग में है या फिर उसका रैंक अच्छा है, उसके कर्म अच्छे हैं, उसका दिल अच्छा है और उसकी स्पिरिचुअल टीम ये देख रही है, डिवाइन वर्ल्ड ये देख रहा है, तो वो ये नहीं होने देगा, वो कभी ये नहीं होने देगा। एक टाइम पीरियड के बाद वो उस इंसान को मरे हुई जगह से भी जगा देगा, उठा देगा, शोर मचा देगा कि जागो, सुनो, उठो, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो आपको जगाया गया, उठाया गया और आपसे कहा गया, देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, और आपने देखा, आपने देखा, इसलिए आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, या आपको देखने की जरूरत है इसलिए आप ये रीडिंग सुन रहे हैं। और यही चीज इस इंसान के सर का दर्द बनी हुई है कि आपको ये सब चीजें सुनाई दे रही हैं, आपको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको ये सब चीजें बता दी गई हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको ये सब पता कैसे चल रहा है। वॉन्ट यू टू फॉल इन देयर ट्रैप। तो जैसे मैंने आपसे कहा, किसी गलत इंसान के साथ में आपको फंसाना चाहते थे, किसी गलत रिश्ते में आपको फंसाना चाहते थे, बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके साथ में मीठा बन रहा हो, भोला बन रहा हो, इमोशनली आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हो और ये या कर रही हो, या आपको अपने ट्रैप में फंसाना चाहता हो, और आपके या आपका कोई एक्स फ्रेंड भी हो सकता है जो कि आपकी एनर्जीज के साथ में खेलता हो या खेलने की कोशिश कर रहा हो या खेलती हो। यानी कि डार्क रिचुअल्स तो हैं डेफिनेटली यहाँ पे। न्यू बिगनिंग, ये बीच में आ गया है रून का कार्ड, न्यू बिगनिंग्स, रिन्यूअल, रिबर्थ। तो देखिए अगेन, न्यू बिगनिंग, रिन्यूअल, रिबर्थ, ये एक्चुअली इसके ऊपर ही रहते हैं ये कार्ड ना, ये सब नीचे रहते हैं तो ये इसके बीच में आ जाते हैं, कार्ड्स के बीच में। तो ये दूसरी तीसरी बार है कि जब सेम ही मैसेज आया है, ये कार्ड भी रिबर्थ की बात करता है। तो आपका जो ये पुनर्जन्म हुआ है ना, ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि डिवाइन वर्ड ने यहाँ पर देखा है कि हो क्या रहा है भाई, मेरे बंदे के साथ कर क्या रहे हो तुम। मदर, तो ये आपके, मैंने कहा फैमिली मेंबर हो सकते हैं, तो मे बी आपकी मदर भी इसमें शामिल हो सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी मदर की एनर्जीज की बात करता है, या आप कोई मदर हो सकती हैं जिसके साथ ये करने की कोशिश की जा रही है या की गई है। फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये डेफिनेटली आपके फैमिली मेंबर हैं। ओहो, आपकी मदर बिल्कुल हो सकती हैं इसमें, क्योंकि जब ये कार्ड मैंने पहले भी बताया है, जब ये कार्ड मैंने उठाया था बनाने के लिए, एम्प्टी थे सारे, जब एम्प्टी थे सारे मैंने बनाने के लिए उठाया था, ये कार्ड नीचे गिरा था, पहला कार्ड ही नीचे गिर गया था और मेरे कान में आवाज आई थी फॉल फ्रॉम ग्रेस। और ये था मैसेज कि जब भी ये कार्ड आएगा तो ये वो लोग होंगे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है और आपने इनके अंदर बहुत सारे इमोशन इन्वेस्ट किए हैं, आपने इनके लिए अपनी अपनी हदों से बढ़कर चीजों को किया है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की ये मदर हो सकती हैं, या आप वो मदर हो सकती हैं जिन्होंने ये सब किया हो। दे डोंट केयर व्हाट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू। देखा, इनको आपकी कोई चिंता नहीं है। मैंने क्या कहा, आपका आपका जीना ही इनके लिए मुसीबत का कारण है, आपका जीना ही इनके लिए तकलीफों का कारण है। तो एंजल मैसेजेस ले लेते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ सभी को। सिंगिंग एंड डांसिंग, एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। तो आपसे कहा गया है आपको इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, डिवाइन बॉडी ये सब चीजें सोच रहा है। आपको अपनी एनर्जीज को हाई करना है तो अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपनी साइकिक सेंसेस को बढ़ाइए, अपनी मैजिकल पावर को बढ़ाइए और इनके ट्रैप में नहीं फंसिए। अगर आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है,
इनकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपको कोई नेगेटिविटी भेजने की कोशिश कर रहा है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए, अपनी एनर्जी को क्लीन करते रहिए। हैव यू आस्क्ड योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस, और अपने एंजल से हेल्प मांगिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक किसी से मदद नहीं मांगी है, स्पेसिफिकली अपने एंजल से, आपके एंजल्स जो हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आपके एसेंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और आपसे कह रहे हैं कि उनसे मदद मांगो, बार बार मदद मांगो, और उनसे जब भी कुछ समझ ना आए तब भी मदद मांगो, हर बार उनको पुकारो मदद के लिए, और वो आपको लगातार गाइड करते रहेंगे, या उन्होंने किया भी है आपको। अगेन थर्ड आई चक्र का यहाँ पे कार्ड है, इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स सच एज एंजल्स, ऑरास एंड विजन। तो अगर आपको कोई विजन्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हुए बुरे उनको देखिए। और अब आप, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी डेफिनेटली इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, और आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है, यानी कि अब आपको वो एहसास हो चुके हैं कौन आपके लिए अच्छा हो सकता है कौन नहीं। तो अब आपके लिए नए जो रिश्ते हैं, खुशियाँ हैं, उनको एक्सप्लोर करना उचित है, या फिर आगे बढ़ना उचित है। तो अपनी इंट्यूशन को जरूर टेस्ट करना है, क्योंकि डेफिनेटली ये लोग आपके इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड में, या फिर इनको ये लग रहा होगा कि आप किसी ऐसे इंसान के चक्कर में फंस जाएं जो कि, जैसे कि हम मैसेज था कि चाहते हैं कि आप इनके चक्कर में फंसे, इनके जाल में फंस जाए। तो बच के रहिएगा इनसे, अपनी इंट्यूशंस को यूज़ कीजिएगा, लेकिन आपके एंजल्स ये चाहते हैं कि आप उनकी मदद मांगे, आपकी एनर्जीज को क्लीन करने के लिए भी, अगर आपके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक कर दिया है इन लोगों ने, आपके थर्ड आई चक्रा को ओपन करने के लिए भी, ताकि आप सही चीज़ों को देख सुन और समझ सकें। यू आर प्रोफाइंडली क्लेयरवॉयंट, तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं उस पर आप यकीन कीजिए, अपनी आंखों से आप जो देख रहे हैं उस पर आप यकीन कीजिए। आपका स्पिरिचुअल विजन आपको हेल्प करेगा हीलिंग, टीचिंग और गाइडेंस में, इनकी आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, और आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप खुद पे विश्वास करें। पेरेंट्स का कार्ड है, द डिवाइन ट्रूथ इज दैट योर पेरेंट्स एटर्नली लव यू टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, द एंजल्स आर हेल्पिंग यू हील फ्रॉम एनी पेन एसोसिएटेड विद योर मदर और फादर। तो भाई, ये आप में से कुछ लोगों के मदर और फादर हो सकते हैं, इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि ऑलरेडी उन पे जजमेंट कॉल हो रहा है, हो सकता है किसी कोई एक्सपायर भी हुआ हो यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने के चक्कर में। तो कोशिश आप यही कीजिएगा कि इन लोगों ने तो आपकी चिंता की नहीं है, लेकिन आप भी इनकी चिंता ना करें, मैं तो यही कहूँगी। और आप ये देखें कि आपको अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, सबको माफ करते जाइए। माफ़ी किसी और के लिए नहीं होती, माफ़ी अपने लिए होती है, ताकि अपना हार्ट हील रहे, हम बैलेंस में रहें। बैलेंस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जो भी लोग परेशान हो रहे हैं आपको ट्रैप ना कर पाने के कारण, उनको होने दीजिए, अपने आप को संभाल के रखिए, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहिए। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।